प्रॉब्लम नंबर 18, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज बिटवीन टू कोहेरेंट साउंड सोर्स इज 4:1. क्या दे रखा है? इंटेंसिटीज का रेशियो दे रखा है, यानी I1 और I2 का जो रेशियो दे रखा है वो 4:1 है. ठीक है. द डिफरेंस ऑफ लाउडनेस इन डीबी बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज व्हेन द इंटरफेयर इन द स्पेस. ठीक है. देखो, ये हमें यहां पर लाउडनेस की जो डिफरेंस ऑफ द लाउडनेस, लाउडनेस का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू टेन लॉग बेस टेन आई बाई आई नॉट, ये होता है. अब हमें यहां पर मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में चाहिए, है ना. तो बीटा मैक्स माइनस बीटा मिनी दोनों के बीच का हमें चाहिए. तो क्या आएगा, टेन लॉग बेस टेन आई मैक्स आ जाएगा यहां बाई आई नॉट माइनस टेन लॉग बेस टेन, यहां आई मिनी आ जाएगा बाई आई नॉट. ठीक है. तो क्या हो जाएगा यहां पर, बीटा मैक्स माइनस बीटा मिनी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन लॉग बेस टेन, यहां पर दोनों ये माइनस में, टेन तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, लॉग जब माइनस में होते हैं तो यहां पर ये डिवाइड में हो जाता है. तो क्या आ जाएगा, आई मैक्स अपॉन आई नॉट अपॉन आई मिनी अपॉन आई नॉट, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा, टेन लॉग बेस टेन आई मैक्स अपॉन आई मिनी, आई मैक्स अपॉन आई मिनी. अब आई मैक्स और आई मिनी की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन आई वन आई टू की वैल्यू पता है. आई वन और आई टू की वैल्यू हमें पता है, आई मैक्स आई मिनी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं. ये आई मैक्स और आई मिनी हमने पढ़ा है, इसका जो रेशियो होगा वो अंडर रूट आई वन प्लस रूट आई टू अपॉन रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर होता है. ठीक है. और ये 4:1 में है, तो 4 करेंगे तो 2 क्या आएगा, 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 9:1, यानी इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 9:1 होगी. तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 log बेस 10 9. ठीक है. 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर ऊपर आगे चले जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 20 log बेस 10 3. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर ए ये हमारे पास आ जाएगा.